तिरुवनंतपुरम के शहर में था एक मेहनती किसान कुमार नामक। कठोर परिश्रम से उसने काफी पैसे कमाए। उसकी पत्नी का नाम था सुगना। कई सालों तक उनके कोई बच्चे नहीं हुए। बहुत पूजा पाठ के बाद भी उनको औलाद का वरदान नहीं मिला। कुमार की पत्नी इस बात से काफी परेशान थी। एक दिन मंदिर की पुजारिन उनसे मिलने गई थी। पुजारिन के आने पर कुमार और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। आप यहाँ किस वजह से आए हैं पुजारिन जी? मुझे पता चला कि आप दोनों बच्चा ना होने के कारण बहुत परेशानी में हो। पुजारिन जी की ऐसा बोलते ही सुगना को लगा कि शायद उनके पास कोई हल होगा, तो वह उत्सुकता से पूछने लगी कि वह क्या करे। जी हाँ, आपकी इस समस्या का हल ये चंदन का टुकड़ा है। 3 बार गंगा नदी में जाकर स्नान करें और अपने समस्या के बारे में सोचकर प्रार्थना करें। इससे आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी, परंतु ये रास्ता चुनने से आपको कोई ना कोई नुकसान भी होगा। अगर उस नुकसान को सह सकते हो तो तभी ये करना। दोनों ने सोचा कि एक बच्चे से बढ़कर और क्या है, और इसके लिए वे कोई भी बाधा का सामना करने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने पुजारिन का दिया हुआ रास्ता को अपनाने का निर्णय ले लिया। सुगना फिर गंगा के तट पर गई और चंदन का टुकड़ा अपने हाथ में लेकर प्रार्थना की। अपने मन में अपने बच्चे की चाहत के बारे में सोचकर 3 बार नदी में अपने आप को डुबोया। कुछ ही समय में सुगना ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। कुमार और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठे और उनको सीता और गीता का नाम दिया। दोनों लड़कियों को बहुत प्यार से बिना भेदभाव किए बड़ा किया, परंतु आसपास के लोगों ने ऐसा नहीं किया। दो बहनें हमेशा साथ रहते थे, साथ खाते थे, सोते थे और दोनों के एक ही दोस्त थे। साथ साथ पढ़ाई और खेल कूद में कई साल बीत गए। जैसे दोनों बड़े होने लगे, गीता को ज्यादा महत्व मिलने लगा और सीता इस बात को देखने लगी। उसको धीरे धीरे लगने लगा जैसे बाकी के लोग उसको भाव नहीं देते थे। कपड़े चुनते समय भी सबसे पहले गीता चुनती थी और फिर सीता। गीता को तैयार होने में मदद मिलता था, पर सीता की परवाह कोई नहीं करता था। दिन पे दिन अब दोनों एक दूसरे के साथ कम समय बिताने लगे। गीता अब सीता से पहले भोजन करने लगी। उनके दोस्त भी अब बदल गए। सीता ज्यादातर अपना समय किताबें पढ़ने में बिताती थी और गीता नाच गाने में। इसी तरह दोनों बहनों के बीच दूरियां बढ़ती गई। सीता को बुरा लगने लगा कि वह गीता के साथ समय नहीं बिता पा रही थी, तो वह गीता से यह बात पूछने गई। सीता की बातों का गलत मतलब निकालकर गीता ने उससे लड़ाई की। सुगना ने देखा कि उसकी बेटियां कैसे अब हर बात पर लड़ाई करने लगे और अपने पति से इस बारे में बात करना चाहा। कुमार ने दोनों को बुलाया और डांटा कि अब से वे अपने बर्ताव को बदले और लड़ाई किए बिना साथ साथ रहे। गीता को अपने पिता की डांट अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि उसकी कोई गलती थी ही नहीं और फिर सीता से बात भी करना बंद कर दिया। सीता लड़ाई को खत्म करने और फिर से दोस्ती करने गीता के पास गई, पर गीता ने नहीं माना और लड़ाई करने लगी। ये सब देखकर सुगना और कुमार ने वापस उस पुजारिन की मदद लेने का निर्णय लिया। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि उस जादू से कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा,
कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी। पुजारिन दोनों लड़कियों से बात करने गई और उनके सामने नारियलों का एक भोर ही रखा। पुजारिन ने पहले गीता को बोला भोरे खींचने के लिए। गीता ने भोरे को रस्सी से बांधकर खींचने की कोशिश की, पर भोरे को थोड़ा सा भी हिला नहीं पाई। अब थी सीता की बारी और वो भी असफल रही। फिर पुजारिन ने दोनों को भोरी खोलकर एक एक नारियल बाहर निकालने को कहा, तो सीता और गीता ने कुछ ही समय में सारे नारियलों को बाहर निकाल दिया। तो लड़कियों, इससे क्या समझ में आया? सीता और गीता को समझ नहीं आया और बस एक दूसरे की ओर देखने लगे। मैं समझाती हूँ, कोई भी परेशानी हो तो हमेशा एक साथ उसका सामना करना, फिर तुम उसको आसानी से पार कर पाओगे। अगर एक दूसरे का साथ नहीं दोगे तो कोई भी परेशानी का सामना नहीं कर पाओगे। तुम दोनों बहनें हो और जीवन भर एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारे माता पिता हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, केवल तुम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हो। गीता को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी बहन का महत्व। उसने सीता से माफी मांगी और फिर दोनों पहले जैसे साथ साथ रहने लगे। उनका रिश्ता अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया। सुगना और कुमार अपनी बेटियों को आपस में सुझाव करते देख बहुत खुश हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी रूप महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे आवश्यक चीज परिवार होता है।